सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? एंड आज ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे प्लेस दिखाने चल रहे हैं जो कि वाकई आप कहें क्या गज़ब का बना दिया है, जो कि अपने अयोध्या में बना हुआ है। और करंटली हम चल रहे हैं यहाँ से होते हुए गुप्तार घाट की तरफ, और वहीं पे चल के आपको दिखाएंगे पूरा नज़ारा। उससे पहले कि यहाँ देख लिए, इधर साइड जो है पूरा रिवर फ्रंट बना हुआ है, ये हिस्सा जो मैंने कई बार व्लॉग में आपको दिखाया भी हुआ है ये हिस्सा। और इधर ये जो है पूरा कैंट एरिया पड़ता है इस अयोध्या और फैज़ाबाद का, ये कैंट एरिया पहले पड़ता है। सो इसी से होकर आपको गुजरना पड़ता है कंपनी गार्डन, यानी कि यहाँ के गुप्तार घाट जाने के लिए। सो हम वहीं चल रहे हैं और आपको पूरी सीन दिखाएंगे कि किस तरह बना है अपना गुप्तार घाट, क्योंकि अपडेट हो चुका है बहुत ज़्यादा पहले से। पहले तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति थी, लेकिन अब जो है बहुत ही रेनोवेशन करके बहुत गज़ब का कर दिया गया है। और डायरेक्ट हम आ गए हैं इस गुप्तार घाट के चौराहे के पास, जहाँ से यहाँ ही से हमको मुड़ना रहेगा। उधर साइड जो है पूरा कैंट एरिया है, और इधर से आपको देखने को मिलेगा इसका कंपनी गार्डन का एरिया। सो इधर पूरा जंगली जंगल समझ ली है। और इवनिंग में अगर आप आना चाहें तो थोड़ा परहेज़ करिएगा, दिन के ही मतलब रोशनी में ही आइएगा, क्योंकि रात का टाइम बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। और कभी भी आए तो कार वगैरह अगर इंतज़ाम हो पाए तो ज़रूर कार ही वगैरह से आए, पैक रहे, जो कि क्योंकि रास्ते में देख रहे हैं कैसे कैसे पेड़ पूरा एकदम यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। मैं लौटते समय अगर कोशिश करूँगा, अगर बना पाऊँगा तो बनाऊँगा ज़रूर वीडियो, आपको दिखाएंगे कि रात का टाइम कैसा यहाँ पर सीन हो जाता है। सो अभी के हम आ गए हैं रिवर फ्रंट के पास। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो मैंने दिखाया था क्रूज शिप यहाँ पर बन रहा है, यहीं पर बनेगा। ये जो है नीली नीली टीन है, और ये है इसका रिवर फ्रंट जो कि सनसेट हो रहा है यहाँ पर, वो देखेंगे। और ये रिवर फ्रंट बहुत ही अमेजिंग बन गया है। आप गुप्तार घाट आइए तो कभी भी आप अयोध्या अगर आना चाहें बाहर से कहीं, तो आप गुप्तार घाट ज़रूर आइए, और बहुत ज़्यादा दूर नहीं ना, और शहर के पास ही में लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो हम फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं कंपनी गार्डन। यहाँ पर देखेंगे ये है कंपनी गार्डन का बोर्ड लगा है, और यहाँ पर देखिए आज का दिन संडे है तो काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, और लोग एंजॉय करने बहुत आते हैं। इस गार्डन में काफ़ी भीड़ रहती थी, जो कि अब इस गार्डन को छोड़ के एक आगे जो हम गार्डन दिखाने चल रहे हैं आपको, उस गार्डन में पूरी भीड़ कन्वर्ट हो गई है। सो हम चल के वो दिखाएंगे आपको, मतलब मज़ा आने वाला है भाई एकदम। तो हम फाइनली आ चुके हैं इस कंपनी गार्डन के पास में, और देखिए यहाँ पे किस तरह जाम लगा हुआ है, और भीड़ तो भाई एकदम गज़ब की हो जाती है। संडे के दिन तो एकदम फुल रहता है ये सब पार्क, क्योंकि नदी का किनारा है और इधर गार्डन है, तो कौन नहीं आना चाहेगा भाई। अब तो इतना बढ़िया बन गया है कि आप डेली आएंगे तो आपका मन भी नहीं भरेगा, इतना ज़्यादा अच्छा दिखता है। और फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं उस स्ट्रक्चर के पास जो कि हमको आपको दिखाना था। सो ये देखिए, ये है लखनऊ जैसा चौराहा जिसकी मैंने वीडियो इससे पहले अपडेट दी थी, और सामने आप गार्डन देखेंगे, और गार्डन को हम चल के एक्सप्लोर करेंगे। आज के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ मुझे देखने को मिली है, और ये स्ट्रक्चर तो इससे पहले मैंने वीडियो में दिखाया ही था, और ये बेहद खूबसूरत बना हुआ है। और देखिए लोग, आपको लग नहीं रहा कि आप अयोध्या के सीन देख रहे हैं, ऐसा महसूस होता है जब मैं यहाँ पर आता हूँ, ऐसा लगता है बनारस या लखनऊ के किसी एरिया में आ गए हैं, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग दिखता है ये, बहुत गज़ब का। देखिए यहाँ पे कितने यहाँ पे फूड कोर्ट वगैरह भी बने हुए हैं खाने पीने की चीज़ों के लिए, यहाँ पर पूरा बना दिया गया है, बहुत ही गज़ब का दिख रहा है। और पूरे ई रिक्शा और ये सब जो है बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि लखनऊ का 1090 चौराहा अगर आपने देखा होगा तो पूरी फीलिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी भाई, एकदम गज़ब का। लैंप वगैरह भी जो देख रहे हैं ये सब बड़े शहरों में जैसे लगा रहता है, सेम एज़ इट इज़ वैसा लगा हुआ है, और बीच बीच में ये सब पेड़ वगैरह लगा दिया गया है, तो इस बात पर एक लाइक तो हो ही जाना चाहिए।
और देखिए ये स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ, काफ़ी दूर तक बना दिएगा तो इस वजह बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे देखिए कैसे कोई बकरियाँ का पूरा ढेर सारा झुंड लेके जा रहा है भाई, बहुत अच्छी लगती है बकरियाँ भी वैसे इधर साइड। और ये स्ट्रक्चर देखिए अमेजिंग, मतलब आपको कैसा लग रहा है ये स्ट्रक्चर यहाँ का गुप्तार घाट का नया अवतार, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे आपको इसका मैप देखने को मिल जाएगा, और देखिए अयोध्या कैसा लिखा है यहाँ पे, इसका आपको मैप देखने को मिलेगा ये हिस्से में। और ये पड़ गया चौरा। सो चलिए हम बैक चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह बना है ये गुप्तार घाट का नया पार्क। तो चलिए हम रिटर्न चलते हैं और वीडियो को यहीं पर स्किप करते हैं। सो गाइज आप देख सकते हैं इधर पार्किंग एरिया है फोर व्हीलर के लिए, और उधर पूरा कायदे से गार्डन के रूमा बना दिया गया। एंड इधर साइड देखेंगे आप टू व्हीलर की बाइक वगैरह खड़ी हुई है, और लैंप वगैरह जो आप देखेंगे ना भाई क्या गजब का, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको यहाँ पर आएंगे। और सामने आपको फूड कोर्ट यानी देखने को मिलेगा, जो खाने पीने की चीज़ें सब चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। और बाय द वे आज के दिन इतने ढेर सारे यहाँ पे कीड़े मकोड़े हैं कि आप देख सकते हैं कैसा झुंड यहाँ पर है। सो सभी बाइकें यहाँ पे खड़ी हुई हैं, आप आएंगे तो आराम से पार्किंग कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छा गार्डन बना हुआ है, चल के हम अंदर दिखाते हैं आपको कैसा बना हुआ है। सो ये है एंट्री गेट इसका, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। हम इंटर कर चुके हैं इस गार्डन के अंदर, यहाँ पे देखिए कितने बढ़िया बढ़िया पेड़ हैं, और लैंप देखो भाई, ये देखो ये लैंप शायद रात का टाइम है सो रोशनी की वजह से सही दिख नहीं रहा। पेड़ पेड़ के ऊपर जो लाइट लग रही है भाई उसका मतलब मजा ही अलग है। ये देखिए सबसे अच्छी बात इस पार्क की यह है कि इसमें पेड़ का बहुत ही इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से यहाँ पर इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। और वार्म लाइट ये जो लगाया गया हुआ है इससे पूरे पार्क एकदम खूबसूरत हो जाता है। हमने खड़े हैं हमारे उजैर भाई जो कि आए हुए हैं मुंबई से, और ये भी लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं इस पार्क का मज़ा लेने के लिए। एंड यहाँ पर आप सामने देखेंगे यहाँ पर ऐसा लगता है कि दिल्ली और लखनऊ में वगैरह में जैसा बना रहता है, बीच में परफॉर्मेंस के लिए छोटा से स्पेस, और साइड साइड में देखिए यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं इंजॉय कर रहे हैं। और हम आए हुए हैं आज अपनी पूरी फैमिली के साथ इंजॉय करने हम लोग भी। सो सामने हमारी फैमिली सुफियान भाई भी हैं साथ में, ये देखिए किस तरह बैठने का स्पेस बना हुआ है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू, अगर आप कभी भी इस पार्क में आएँ तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि कोई भी पैकेट का सामान खाने के बाद आप इस डस्टबिन में ही फेंकें, नहीं तो ये पार्क गंदा होगा और जो कि आप ही के लिए नुकसानदायक होगा। आप गार्डन की खूबसूरती देखिए, और गार्डन देखिए क्या मस्त आपको नज़ारे देखे। उधर साइड जो है जिम विम का इंस्ट्रूमेंट भी रखे हुए हैं, सो लोग वहाँ पर भी इंजॉय करें, और हम लोग भी अभी चलेंगे। इधर देखिए कितनी गजब की पेंटिंग हुई है, इसे फाइन आर्ट क्या कहते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पेंटिंग आप काफ़ी खूबसूरत से बनाई गई है, जो कि दिन में बहुत खूबसूरत लगती है और रात में भी खूबसूरत लगे, लेकिन हो सकता हो कैमरे में उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आ पा रही होगी। और ये है वार्म लाइट, ये देखिए इस तरह कुछ यहाँ पर ये पार्क बना हुआ है। देखेंगे ये है जिम का सेक्शन, और उधर साइड बच्चों के खेलने का वाला सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पे देखिए कितने बच्चों के मज़ेदार यहाँ पे झूले वगैरह। तुम्हारे उजैर भाई क्या चला रहे हो भाई साइकिलिंग काफ़ी ऊपर है ज़मीन से, इसका टच देखिए। जिम के सारे इक्विपमेंट है यहाँ पर, बैठ जाओ भाई उधर ऐसे आप चेस्ट बना सकते हैं, और पीछे काफ़ी सारे इक्विपमेंट है जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए ये भी एक ट्राई कर रहे हैं, इससे शायद हाथ मजबूत होता होगा। सब बहुत इंजॉय यहाँ पे कर रहे हैं,
तो पूरी फैमिली हमारी आके उधर एंजॉय कर रही है जिम का, और इधर साइड भी बच्चों के खेलने के लिए बहुत अच्छे अच्छे झूले भी लगे हुए हैं जो कि ओरियन की भाई साहब गार्ड साहब आके इनको क्या कहने, देखिए सुनिए करने के लिए बोल रहे हैं। सो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ये पार्क आपको कैसा लगा, बहुत अमेजिंग मतलब भाई साहब बनाए गजब का। देखिए चारों तरफ किस तरह पेड़ इतने खूबसूरत लग रहे हैं और वार्म लाइट इससे इसका लुक पूरा भर जाता है और ये पार्क में खूबसूरती आ जाती है। सो अमेजिंग मतलब यहाँ के मुझे बहुत मज़ा आया और मतलब अमेजिंग ये पार्क बना हुआ है गजब का। और रात का टाइम हो सकता है सीन थोड़ा बेटर ना, लेकिन फिर भी बहुत ही गजब का बना हुआ, जब आप आएंगे खुद ही यहाँ पे फील करेंगे कैसा है ये पार्क। सो ये पेड़ देखिए गाइस, वाह दिन के टाइम बहुत अमेजिंग लगता है। किसी और दिन मैं आऊँगा यहाँ पर तो दिन के समय ज़रूर इसका ब्लॉग अपडेट करूँगा। एंड जो चौराहा मैंने दिखाया था वो वहाँ पर चौराहा बना हुआ है, बहुत अमेजिंग मतलब लगता है। इसमें थोड़ा सन्नाटा हो गया बाय द वे। यहाँ पे ये जो घास लगी हुई है ये सब आर्टिफिशियल ला के अलग से यहाँ पर इसको लगाया गया हुआ है, ना कि पहले से लगी हुई थी। इसका सबूत मैं दिखाता हूँ पास से। ये देखिए यहाँ पे ये गमला लगा हुआ है, ये अलग से पूरा पेड़ लगाया गया, घास भी लगी हुई है नीचे।